चलिए सफर को आगे लेकर जाते हुए बजरंगी जी, क्या क्या कुछ कुछ कहिए ना, आज कैसा लग रहा है आपको डीएवी कॉलेज में आकर? मुझे तो ऐसे होमकमिंग लग रही है क्योंकि मैं यहाँ पर 7 साल पढ़ा चुका हूँ। सर मैं आपको पहली बात ये बताऊँ कि इस तरह का कंपटीशन आज तक होशियारपुर के इतिहास में किसी न्यूज चैनल ने तो हिम्मत ही नहीं की कि ऐसा कुछ करवाया जाए, बच्चों के लिए करवाया जाए या प्रोफेसर्स के लिए, टीचर्स के लिए करवाया जाए। देखिए ये बात पता है क्या, सिर्फ चैनल को एक न्यूज़ मिलने की या एक अच्छा एपिसोड चलाने का ही नहीं है, ये जिम्मेवारी है समाज की और एक मतलब समर्पित नागरिक की कि वो विद्यार्थियों को जनरल नॉलेज के साथ जोड़े। देखिए आज हमने देखा कि कई बच्चों को भगवंत मान के पार्टी का नहीं पता है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल्स का नाम नहीं पता है, प्रिंसिपल का नाम नहीं पता है। तो ये एक ना मतलब बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, तो इन चीज़ों को भी दूर करना हम लोगों की एक सामाजिक जिम्मेवारी है ही है, और दूसरी बात ये है कि हम लोगों का कर्तव्य भी है। तो आज इन चीज़ों को एंजॉय करें, ना केवल सिर्फ हमें टीआरपी मिलेगी, हमारे चैनल को टीआरपी मिलेगी, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत के यूथ को बहुत कुछ इस एपिसोड से सीखने को मिलेगा, उनके नॉलेज में बहुत बड़ा बढ़ावा होगा सर, बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। बाकी ये बच्चे खुद बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। और आई थिंक हमने अपनी जो बैटल ऑफ सीरीज़ है, द बैटल ऑफ ब्रेन सीरीज़ है, उसमें भी हमने देखा है कि डीएवी कॉलेज के जो विद्यार्थी है, तकरीबन हर कॉलेज रीजन का जो मेन कॉलेज है उसके विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं, बट स्पेसिफिकली हमने देखा डीएवी कॉलेज के जो विद्यार्थी है वो हमेशा से ही विनर्स रहे हैं। देखिए ना यहाँ पे मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ परमवीर सर, ये सोच जब आप लेकर आए कि हम एक स्टूडियो के अंदर सारे रिकॉर्ड कर रहे थे द बैटल ऑफ ब्रेन है ना, तो आपको ये लगा कि हम कॉलेज के बीच जाएंगे, हम कॉलेज में बच्चों को मिलेंगे, क्योंकि जो बच्चे दूर दराज से आते हैं, मुझे लगता है यहाँ भी ये तीन बच्चियाँ खड़ी हैं, ये कहीं काफ़ी दूर से यहाँ कॉलेज पहुँचती है, स्टूडियो तक पहुँच पाना या एक छुट्टी वाले दिन जो इनका वीकेंड होता है उस दिन को इन्होंने उसमें मतलब समाहित करना कि मतलब मेरा छुट्टी है, मैंने इन्जॉय करना है, तो फिर मैं क्यों पार्टिसिपेट करूँ, या फिर कई चीज़ें होती है। आजकल दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, बच्चे अपनी छुट्टी नहीं ख़राब करना चाहते हैं, पर हम यहाँ तक पहुँचे, इनके दरवाजे तक पहुँचे, तो ये सचमुच अद्भुत है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी ऑनरेबल मैनेजिंग कमेटी और वर्दी प्रिंसिपल साहब, उनके अधीन कॉलेज जो है डेट इज मेकिंग प्रोग्रेस बाई लीप्स एंड बाउंड्स। चलिए स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे? अच्छे हैं। पहले कभी कैमरे के आगे आए? नहीं नहीं। तो अलग अलग से तो लग रहा कुछ? लग रहा है। क्या अलग अलग क्या लग रहा है? तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, पहले तो आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना क्लास और अपना जो है नाम बताइए। माई सेल्फ गुलीन सैनी फ्रॉम बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर। माई नेम इज सिमरनजीत कौर फ्रॉम बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर। माई नेम इज सिमरनप्रीत कौर फ्रॉम बी कॉम फर्स्ट ईयर। तो आपका फर्स्ट ईयर ही है ना, तो स्कूल से कॉलेज आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ही लग रही है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है, बेटर लग रहा है ना। तो अच्छा क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, अगर आप सही उत्तर दोगे तो आपको 100 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो पहले आपको मुझे ना कोई नंबर बोलना होगा, कोई भी नंबर इकट्ठे बोल दीजिए, कोई नंबर 50 तक, 1 to 50। 30। चलिए बजरंगी जी सवाल पूछते हैं, 30 नंबर है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो व्हाट इज द कलर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम्स जर्सी? इंडियन क्रिकेट टीम है ना, उनकी जो ड्रेस है उसका कलर क्या है? जी ब्लू। बजरंगी जी ब्लू रंग की है। यस यस सर, राइट आंसर। तो इनको फिर दीजिए ना, दीजिए ना। 100 रुपीज कैश प्राइस। 100 रुपीज कैश प्राइस। चलिए बहुत बहुत ही उमदा, हाँ जी उमदा, बहुत ही उमदा जवाब दिया इन्होंने। तो एक एक अच्छा एक चीज और है सर, आप क्रिकेट देखते हैं? जवाब आपका था, थोड़ा बहुत देख देंगे, थोड़ा बहुत। आजकल क्या चल रहा है ट्रेंड? 100 रुपीज का कैश प्राइज आपको और मिल जाएगा। हाँ। क्या चल रहा है आजकल क्रिकेट में? कौन सा इवेंट चल रहा है? देखा ही नहीं अभी तो, मैं देखती नहीं। क्या नाम है आपका और अपनी क्लास बताइए। सत्यम, बी कॉम फर्स्ट ईयर। विकास शर्मा, बी ए फर्स्ट ईयर। बी ए फर्स्ट ईयर, ये भी फर्स्ट ईयर के है। तो कैसा स्कूल लाइफ, अच्छी थी कॉलेज लाइफ? स्कूल क्या
आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बैठने या चलने में दर्द होना, गठिया, कंधों की जकड़न, खिलाड़ियों को होने वाले दर्द, पुरानी डिस्क की बीमारी और गर्दन दर्द से बिना दवाई के छुटकारा पाएं। एट सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। यहाँ है क्लास 4 लेजर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी और मसाज थेरेपी। सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऑपोजिट मिनी सेक्रेटरीएट, चंडीगढ़ रोड, होशियारपुर। कॉल 9151955। लाइफ अच्छी थी। क्यों, कॉलेज लाइफ में क्या हुआ? कॉलेज लाइफ बस ऐसे ही चल रही है अभी तक तो। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था, क्रिकेट में आजकल क्या चल रहा है, क्या इवेंट चल रहा है, तो बताइए प्राइज मनी मिलेगा क्रिकेट में? कुछ चल रहा है ना, जो सारी टीम्स जो यहाँ पर आई हुई है, कौन सा एक बड़ा इवेंट चल रहा है, वो क्या चल रहा है? जो हम वहाँ बात कर रहे हैं उसको आपने फोकस करना है, एक बार समझा। देखते तो हैं क्रिकेट। अरे नहीं यार, पता नहीं उनका। मैंने आपको एक बार समझाया कि मुझे उनके इंप्रेशन चाहिए। ओके 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 ओके। क्या अपना नाम बताइए और डिपार्टमेंट? मेरा नाम है प्रोफेसर रीना सोहोता, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के मैडम रीना सोहोता जी। तो मैम, हम जो यहाँ पर ना स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा था, क्रिकेट में आजकल क्या चल रहा है, तो अगर आप सही उत्तर दे दोगे, बजरंगी जी आपके लिए कोई प्राइज मनी लेकर आएंगे। क्रिकेट में तो आजकल मैचेस ही चल रहे हैं। किस चीज के, कौन से इवेंट के? नाम वर्ल्ड कप बजरंगी जी। तो वर्ल्ड कप के कितने मैच हो चुके हैं जिसमें इंडिया ने खेला? मैं बताऊं? सेवन। और कितने इंडिया जीती, कितने इंडिया हारी? बजरंगी जी तो अपनी, बजरंगी जी तो रेल तोड़ ही नहीं रहे अपनी। कितने इंडिया ने 7 ही मैचेस खेले और 7 ही जीते। बजरंगी और सर अद्भुत, बहुत ही ज्यादा अद्भुत। सोशियोलॉजी के टीचर हैं और जवाब देखिए क्रिकेट के, और बिल्कुल सही जवाब है, और इनको दिए जाते हैं 100 रुपए का कैश प्राइज। ये लीजिए। चलिए, हमारे साथ जुड़े हैं मैम, आपका गुड नेम एंड डिपार्टमेंट? डॉक्टर अनु सैनी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से डॉक्टर अनु सैनी जी। तो मैम, कितने साल हो गए आपको इस कॉलेज में? विल बी कंप्लीटिंग 8 years इन नवंबर। ओह, 8 years इन नवंबर, डेट्स ग्रेट, यू आर क्वाइट एक्सपीरियंस नाउ। सो मैम, आई विल बी आस्किंग यू अ क्वेश्चन, ठीक है? सो यू हैव टू स्पीक एनी नंबर फ्रॉम 1 to 50 एंड आई विल आस्क क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। तो इफ़ यू गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, देन वी विल गिव यू सम कैश अवार्ड। ब्रंगी जी हैज समथिंग इन हिज पॉकेट, सम कैश वॉर्ड इन हिज पॉकेट, सो वी विल बी गिविंग यू डेट। सो रेडी फॉर द क्वेश्चन मैम? तो मैम, पहले बताइए, क्या फिजिक्स, मतलब शुरू से आपसे, आपका जो कहते हैं ना, सभी का कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है, फेवरेट सब्जेक्ट रहा है? यस। चलो, चलिए मैम, एनी नंबर? 17 मैम। तो मैम, आपका प्रश्न है, बजरंगी जी, आप ये मैडम, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड आई मस्ट से शी इज़ ऑल्सो द इंचार्ज ऑफ कॉलेज क्विज टीम। तो बैटल ऑफ ब्रेन्स के जितने भी विद्यार्थी आई हैं वो इन्होंने ही प्रिपेयर करवाए हुए हैं। तो इनके लिए तो आप पहले प्राइज मनी निकाल ही लीजिए। निकल गया। हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ द करेक्ट आंसर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबडी। सो कंग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। यस, ये योर प्राइज। एंड अपना मोबाइल निकालिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पहले से ही किया हुआ है, घर पे सबको करवाया हुआ है। और विद्यार्थियों को? श्योर। थैंक यू मैम। कलरफुल क्राउड वी आर हैविंग हियर। सो स्टूडेंट्स, कौन से आप, कहाँ से, अपना पहले अपना नाम और क्लास बताइए। यस, आई एम फ्रॉम BSc एग्रीकल्चर, 5th semester। BCom 4th semester। BA फर्स्ट सेमेस्टर। मेरा नाम पारस है जी, मैं BA फर्स्ट सेमेस्टर था। BCom 3rd semester। नाम? अमन। आदित्य, BA 5th sem। दानिश, BA 3rd sem। प्लस टू।
नाम मनिंदर प्रताप ओके नाम प्रिंस क्लास प्लस टू तन्वी क्लास प्लस टू मेघा प्लस टू साक्षी प्लस टू वैष्णवी बीए फर्स्ट ईयर अंशिका वैष्णवी फर्स्ट ईयर बीए फाइनल ईयर ओके ओके सो गाइस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा ठीक है तो क्वेश्चन भी आपकी मर्जी का होगा आपको कोई भी नंबर बोलना है 1 से 50 तक जो क्वेश्चन हो गए हैं वो रिपीट नहीं होंगे उनमें से जो बाकी नंबर होंगे वो आपको उस नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आप सही आंसर दोगे तो आई थिंक आप तो कई क्वेश्चन पूछेंगे बजरंगी जी का तो काफ़ी कैश प्राइज क्वेश्चन मिलेंगे काफ़ी कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा बस वहाँ पर फिर क्या है कैंटीन पास में है ग्राउंड पास में है ग्रुप बनाना और पार्टी करना कि नहीं चलिए पूछूं फिर चलो पारस यस पारस चलिए पहले आप पारस से पूछते हैं जी पारस तो कोई नंबर बोलो सात हो चुका है हो चुका है सात हो चुका और बताइए 49 पारस जीतना है कैश प्राइस हाँ जी हाँ जी ठीक है तो क्या खाओगे जीत कर कुलचे खा लेंगे ठीक है पारस होशियारपुर के ऑनरेबल डीसी मैडम का नाम बता दीजिए नहीं पता जी कुलचे रह गए बाकी डीसी मैडम का नाम डीसी मैम का नाम बताओ जी एनीबॉडी कोमल मित्तल यस राइट आंसर राइट आंसर आपने सही उत्तर दिया है कोमल मित्तल जी इज द प्रेजेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ होशियारपुर एक बार कोमल मित्तल पारस कोमल मित्तल जी आप सबको पता लग गया डीसी मैम ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर ऑफ होशियारपुर बहुत ही सही जवाब आपका नाम तन्वी ने 100 rupees बजरंगी जी यस बजरंगी जी देरी क्यों कर रहे हो देरी मैं सोच रहा हूँ सर कि कहीं वो डीसी मैम का नाम बदल ना दे तो अद्धा अद्धा नहीं मौका मिलना सारे अनु ओ हेयर इज द हेड गर्ल यस व्हाट्स योर नेम एंड नेम नवलीन कौर इज द हेड गर्ल ऑफ द कॉलेज तो हेड बॉय थे निमिष ने भी काफ़ी उत्तर नमित ने भी काफ़ी उत्तर दिए तो नमित आ जाओ कोई बात नहीं तो नवनीत नवलीन नंबर बोलिए थ्री बजरंगी तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं फिर है ना ठीक है सर तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हेड गर्ल हो डीएवी कॉलेज के ना ओके ओके तो डीएवी की फुल फॉर्म ही बता दीजिए डीएवी कॉलेजिएट नहीं कॉलेजिएट की नहीं डीएवी की डीएवी की फुल फॉर्म दयानंद एंद्रोवैदिक बिल्कुल सही दयानंद बजरंगी जी मैं ये देख रहा हूँ कहीं सामने कुछ लगा तो नहीं रखा है इन्होंने दयानंद हेड गर्ल नवलीन और जोरदार तालियां इनके लिए कैश प्राइज नवलीन बिल्कुल सही उत्तर दिया दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बहुत बढ़िया तो फिर आपका ग्रुप है जो 2 आंसर दे चुका है 200 और जीतने का पार्टी होगी नहीं इसमें सर मुझे लगता है कि भेदभाव हो रहा है लड़कों को भी मौका दिया जाए लड़कों को चलिए लड़िए नाम आदित्य नंबर 33 आदित्य आजकल क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है तो किस OTT प्लेटफॉर्म मोबाइल में हम देखते हैं ना किस कहां पर हम वो किस OTT प्लेटफॉर्म पर हम क्रिकेट वर्ल्ड कप देख सकते हैं मोबाइल में कहां कौन सी ऐप खोलकर हम क्रिकेट वर्ल्ड कप देखते हैं गूगल पारस नु पता जियो सिनेमा ते जी नहीं जियो डिज्नी हॉटस्टार डिज्नी हॉटस्टार बजरंगी डिज्नी हॉटस्टार राइट आंसर या ए हुन थोड़ी देर पहला कह रहे थे साडा कुछ बने तालियां बजा दीजिए भाई तालियां तो बजा दियो बड़ी
एक थोड़ा ये थोड़ी चीयर कर दो। यस चलिए चलिए, बहुत ही अच्छा आप खेल रहे हैं। हाँ डीएवी कॉलेज। यस चलिए चलिए चलिए, हूँ अदर पूछते हैं। यस नेम साक्षी। साक्षी नंबर तो बोलो कोई। 21। 21 बजरंगी जी, हुआ तो नहीं 21 सर। 21 एक बार चेक कर ले क्वेश्चन, वही मिमिक्री वाला हो चुका है। अगला और कोई नंबर बोलिए। 25 भी हो चुका है। 9 नहीं हुआ, 9 है, ये भी हो चुका है। और बताइए, और बताइए। 13 जिस बाजार में वो वुडन आइवरी वर्क होता ना, हमें सामान मिलता है होशियारपुर में, वो लकड़ के काम का सामान जिसमें आइवरी वर्क भी होता है, उस बाजार का क्या नाम है? कश्मीरी बाजार। थोड़ा आसपास है सर। आसपास है, चले वो बाजार से। यस यस गुड़ मंडी। नहीं नहीं गुड़ मंडी नहीं। फिर दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। जिहड़े बाजार दे विच ना वो जो लकड़ का काम होता हैगा आइवरी वर्क। सराफा बाजार। सराफा बाजार, सराफा थोड़ा और पास है। लकड़ बाजार एग्जैक्ट नहीं नहीं नहीं, वो लागे पैंदा। लकड़ भी नहीं, लकड़ भी करेक्ट नेम कोतवाली बाजार नहीं। बजरंगी जी ने जेब हाथ जो है जेब में डाला हुआ है। बजरंगी जी हेलो सर, हाथ जेब। यस यस हियर 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 हेरिटेज नियर आउट। हाँ सही है सर, नाम बता दीजिए बाजार का जहाँ हेरिटेज मार्केट बनना है। कम ऑन आप बिल्कुल सही हैं, लोकेशन पे हैं। वेलकम सर, वेलकम। बताइए बाजार का नाम। नाइस मीटिंग यू सर। जहाँ हेरिटेज बनना है। हमारे साथ जुड़े हैं अब हितेश सर, जो कि कॉलेज के लाइब्रेरियन भी हैं। तो सर कैसे देखते हो हमारा चैनल आप? बिल्कुल आपका चैनल देखते हैं। मैं तो आपकी बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, आपके भी मैंने बहुत सारे क्विज का जब आपने कंपटीशन करवाया था वो मैंने सारा देखा है, लगभग आपकी सीरीज देखी है। बाकी बजरंगी जी को तो देखते रहते हैं। ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत ही एफिशिएंट और कैपेबल सर है, सभी लाइब्रेरी में सब कुछ स्पिक एंड स्पैन जो है हमें देखने को, हम जाएंगे लाइब्रेरी में थोड़ी देर बाद, स्पिक एंड स्पैन देखने को मिलता है हमें सभी कुछ। तो सर मैंने इनसे ना मार्केट पूछी थी, जहाँ पर वो ना लकड़ का आइवरी वर्क पड़ा होता है, वो मार्केट का नाम, और हम आपको कैश प्राइस देंगे कुछ। अच्छा बच्चों को हेरिटेज बनना है आपको, आपको आप बताइए। शीश महल बाजार में है तो मार्केट जो है। एग्जैक्ट सर, एग्जैक्ट शीश महल में है मार्केट जो है, और उसका एग्जैक्ट नाम मेरे ख्याल डब्बी बाजार। डब्बी बाजार, डब्बी बाजार, डब्बी बाजार। पर सर एक चीज हो गया, दोनों जवाब एक साथ आ गए हैं। तो सर को जो है हम एक और पूछेंगे। हाँ एक और सर को, और सर को एक और। बहुत ही उत्तर हितेश सर ने भी जवाब दिया, और आपका नाम आदित्य ने भी सही उत्तर दिया। तो आलो जी जोरदार तालियां पहले इनके लिए। बाजार का नाम पता लग गया। डब्बी सर एक बात बता दीजिए, कहीं आपने सर को कॉपी तो नहीं किया था? नहीं नहीं सर, मैं पहले दस चुके थे। तुम कितना पता लग गया बाजार में? डब्बी बाजार डब्बी बाजार क्यों कहते हैं? आपका घर वहाँ पे क्यों कहते हैं डब्बी बाजार? डब्बिया वगैरह लकड़ का काम ज्यादा है, डब्बिया वगैरह बॉक्स वगैरह हिस्टोरिकल प्लेस है, उत्थे डब्बिया बन दिया रही हैं, ता उन्हें डब्बी बाजार कहते हैं। चलो चलिए सर अब सर के पास आते हैं। बिल्कुल सीधे चले आते हैं। कोई भी नंबर बोलिए 1 से 50 तक, जो कोई प्रश्न हो चुके हैं वो नहीं हम पूछेंगे, उसके अलावा जो प्रश्न बचे हैं वो हम आपसे पूछेंगे। आप नंबर बोलिए कोई 1 से 50। 9 हो चुका है जी, 9 हो चुका है। 36 बजेंगे। 36 नहीं हुआ ना? नहीं 36। हितेश सर बजरंगी जी देखिए, बजरंगी जी का हाथ जो है जेब में ही है, बजरंगी निकाल लीजिए। निकाल लीजिए। भारत ने सबसे पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप किस ईयर में जीता था, किस साल में जीता था? क्वेश्चन सुन लो। भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप, हाँ जी 1983। यस 3 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर।
दिस इज योर प्राइज सर, ये आपके लिए एक प्राइज मनी। यस, ये आपका इनाम है। मैं ये मतलब एक बच्चों को किसी को दे दीजिए आप, जिन्हें आप देना चाहें। आप अपना एक सवाल पूछ के, आप एक सवाल पूछेंगे, आपका सवाल होगा, हम पूछेंगे, आप उन्हें प्राइज दे सकते हैं। कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। बेटा बड़ा सिंपल सर, माइक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रिंसिपल सर की गाड़ी का नंबर बताना। बहुत इजी, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पूरा नंबर, एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर बताएंगे आप। एग्जैक्ट बताइए आप। पैसे और क्यों आप हमने प्राइज आपको दे दिया, हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पूछ के अपना प्राइज आप पास कर सकते हैं। लाइब्रेरी का नाम पूछ लो सर, तो नाम पता होना बच्चों। एग्जैक्ट नेम ऑफ कॉलेज बिल्कुल सामने लिखा हुआ, बिल्कुल स्टील वर्ड्स में लिखा हुआ है, बिल्कुल सामने, जैसे गेट से एंटर करते हैं बच्चों। लाइब्रेरी जाते हैं? अब डीएवी की फुल फॉर्म क्या है? 100 रुपया आपको देना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, आपको ये पता है कि हमारे कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट का आप नाम बताएं? डॉक्टर अनूप कुमार। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल कैश। चलिए चलिए, नाम नाम डॉक्टर अनूप कुमार जी इज इंडीड द प्रेसिडेंट ऑफ डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी। एक बार दोबारा डॉक्टर अनूप कुमार जी। चलो चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। चलो ज्वाइन किया सर, काफी मजा आया। और अभी क्वेश्चन है इनके लिए, आप बताइए क्वेश्चन। दो क्वेश्चन और दिया जाएगा, दो क्वेश्चन और दिए जाएंगे। चलिए, दो क्वेश्चन आप इधर कह रहे थे ना हमसे, आप इधर आ जाओ, आ जाओ। 30 बजरंगी जी, 30 नंबर बोला इन्होंने, 30 एक बार चेक कर लीजिए। हो गया, हो गया जी, हाँ 30 हो चुका है। और 6 हो चुका जी, 28। शहीद भगत सिंह जी का नेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं शहीद भगत सिंह जी? खटकड़कला जिला नहीं है। दस दे हुण, चुप कर तू। गुरदासपुर? नहीं नहीं, गुरदासपुर नहीं। अमृतसर? नहीं नहीं नहीं, अमृतसर नहीं। यस, शहीद भगत सिंह जी, नवा शहर, खटकड़कला नवा शहर। बजरंगी जी, निकाल रहे हो कुछ कि नहीं? सर पहले वो ये डिसीजन ले लें कि जवाब था किनका। ये इनका, इनका। चलिए फिर कैश प्राइज, खटकर कला नवा शहर। वो रोड़ा रोड़ा पाव माड़ा यार, और रोड़ा पांदे ही नहीं। लास्ट है तो हूटिंग, हां हूटिंग जितनी मर्जी करो, जितनी मर्जी हूटिंग कर दो, पता लग जाए कॉलेज के हुआ है। बस जो भंगड़े पाने, खड़े करने की मर्जी कर लो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इधरों पूछते हैं। चल, के नाम? आशिमा। क्लास? बीए फर्स्ट ईयर। तो नंबर बोलो आप कोई। 25 हो चुका है। 28। अच्छा 25 पूछ लें दोबारा? पूछ लीजिए, 25 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। परफॉर्म सम भंगड़ा स्टेप्स एंड विन ₹100। सेंटर में आ जाए, सेंटर में, थोड़े थोड़े खुल जाइए, थोड़े थोड़े पीछे पीछे हो जाए। चलो सारे जाने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बढ़िया, आ जाओ, ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
परफॉर्म सम भंगड़ा स्टेप्स एंड विन रुपीस 100। चलिए म्यूजिक चाहिए। कड़ा गाना केड़ा गाना लाओ गाना केड़ा। हां जी गाना रल के गाना ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਗਾ ਦੇ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਤੇ ਲਲਾਨੀ ਆ ਪਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ 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 ਗਾਓ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਲਲਾਰੀ ਆਵੇ ਆ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਜੈਸੇ ਜਾਗਾ ਦੇ ਦੂਗੀ ਮੈਂ ਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਗੱਤ ਦੱਸਦੇ कैश प्राइज दे दीजिए सर। चलिए 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 आसिमा 100 रुपए कैश प्राइज। लास्ट क्वेश्चन है अथी रहना फिर जाना नहीं किसी ने सारे ना बोलियो हाथ खड़ा कर का सारे हूटिंग और रौला चक दो बाद दा ऊपर पाना ठीक है ता हुन क्वेश्चन केनु पूछा दसो आप ही सारे ने पूछो जेनु बताऊंगा। ठीक है ठीक है नंबर बोलो कोई 27 हो चुका जेनु बताऊंगा हाथ खड़ा कर हो चुका नहीं 2 अक्टूबर नु केदा बर्थडे हुंदा। एक मिनट गलत जवाब एक और है महात्मा गांधी जी भी हो गए लाल बहादुर शास्त्री जी भी हो गए एक और रह गए। हाँ एक और रह गए 2 अक्टूबर। हाँ बजरंगी जी आप ही बता दीजिए। मैं तो बता दूंगा पर अब इन सभी बच्चों ने जवाब सही दे दिया सर। इन्होंने बल्क में दे दिया बच्चों ने जवाब। इनको तो हम मौका ही नहीं सर, देंगे सर, क्या? इस चीज का डर था मुझे जो चीजें उभर कर बाहर आ गई है। चलो चलो दे दीजिए उनको इनाम दीजिए। आइए आप बताइए 2 अक्टूबर को जिनका जन्म हुआ था उन्हें किन किन नाम से जाना जाता है और उन्हें आगे चलकर भारत में किस नाम से बुलाया गया? महात्मा गांधी जी ने बापू जी भी कहते सिगे। हाँ। तो उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया सिगा जेड़ो ट्रेन दे विच अंग्रेजा दे विरुद्ध भी गए सिगे सारा कुछ। लाल बहादुर शास्त्री जी सिगे। कौन सी हो इंडिया च की रसिया की रोल सी इंडिया च उना दा बहुत बड़ा रोल सी सर बल्ले गुड आंसर प्राइम मिनिस्टर सी सर। वाह प्राइम मिनिस्टर सो ऐसे तो कांग्रेचुलेशन सर। परमवीर सर एक और चीज है बच्चों ने भी दस दी है कि 2 अक्टूबर नूं सिर्फ महात्मा गांधी जी ते लाल बहादुर शास्त्री जी दा ही जन्म नहीं होया बल्कि जीवीसी अपडेट दे जिहड़े डायरेक्टर ने प्रोफेसर मनोज कपूर जी उन्हां दा भी जन्म 2 अक्टूबर। चलो आ लो कैश प्राइज फाइनली गॉट ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੁੜੀ ਜੀ ਬਾਤ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। पूनम शर्मा मैम और डिपार्टमेंट आपका मैम कॉमर्स डिपार्टमेंट से पूनम हमारे साथ जुड़े हैं पूनम शर्मा मैम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को बिलोंग करते हैं। मैम तो क्या आप कैश प्राइज जीतना चाहते हो? यस सर। ओके मैम बजरंगी जी कैश प्राइज जो है जीतना चाहते हैं पर उससे पहले आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। आप कोई भी अंक बोलेंगे 1 से 50 से तक लेकर तो उस अंक का जो प्रश्न है मैं आपसे पूछूंगा ठीक है मैम। आपके वैसे पहले थोड़ा अपनी क्लास के बारे में बताइए कैसे विद्यार्थी आपसे पढ़ते हैं नॉटी है कि शरीफ है कैसे विद्यार्थी होते हैं? सर कॉमर्स के विद्यार्थी तो थोड़े नॉटी होते हैं तो आपको साइंस के स्टूडेंट से ज्यादा सिंसियर होते हैं। डांट डूंट तो लगाते हो आप उनको ज्यादा? नहीं सर प्लस वन को तो लगानी पड़ती है प्लस टू ठीक है हो गई। ठीक है चलिए तो कोई नंबर बोलिए मैम। 9 9 9 9 9 9 मैम हो चुका है। अच्छा 25
25 मैम हो चुका है, दो ओवर हो चुका है भंगड़ा स्टेप्स परफॉर्म। अगर आप दोबारा 25 का आंसर देना चाहते हो वो क्वेश्चन है कि भंगड़ा स्टेप्स परफॉर्म करने हैं? नो तो हम पूछ सकते हैं ये? तो I cannot do this. तो मैम अगला नेक्स्ट 50 चलिए 50 तो मैम 50th क्वेश्चन है, टेल अस योर हॉबी एंड विन रुपीज 100। यस ओनली हॉबी मैम बताइए थोड़ा सा। सर मेरी हॉबीज बिल्कुल डिफरेंट है वैसे। ओके मैम बताइए कोई बात नहीं। आई लाइक टू रीड ओनली रिलीजियस बुक्स। ओके एंड आई वांट टू लिसन न्यूज एंड और बस। सो मतलब सो धर्म में आप जो इंटरेस्ट रखते हैं? ठीक है ठीक है, रिलीजियस बुक्स आप पढ़ते हैं जब भी टाइम आपको लगता है? जब भी मिलता है। ठीक है ठीक। श्रीमद् भागवत हो गई, श्रीमद् भागवत गीता हो गई, ये पुस्तकें मुझे ज्यादा पसंद करती हूँ पढ़ने। कर्मण्य भादी का रस्ते माँ फ्लेशु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमे संगे सत्व कर्मण्य, कि अपने कर्म पर हमें विश्वास करना चाहिए हमारा, क्योंकि हमारा जो मृत्यु लोक है वो कर्म प्रधान है, जैसे हम कर्म करेंगे वही हमारे कर्म संचित होके हमें, जैसे हम कहते हैं हमें अगला जन्म में ये दुख क्यों मिल रहे हैं, वो हमारे पिछले जन्मों का ही हमारा हिसाब किताब होता है, क्योंकि जो कर्म हम यहाँ पर करते हैं वही संचित होती हैं और वही हमें नेक्स्ट, कोई कोई कह सकते हैं कि हमें इसी जन्म में भी उसका फल मिल जाता है, नहीं तो हमें उसका नेक्स्ट जन्म में तो हमें भुगतान करना ही पड़ता है उससे। वाह वाह मैम बहुत ही वो आपके प्योर विचार हैं मैम। कर्मण्येवाधि ग्रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म हलेतु भूमा माते संगोत्सु कर्मणि। वाह मैम वाह। और ये कैश प्राइज 100 रुपीस आपके लिए। थैंक यू मैम थैंक यू। तो अब हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विशाल जी। तो हमारे साथ अब जुड़े हैं मिस्टर विशाल जी। विशाल जी कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो कैमरा पहले आप कैमरे को फेस किया आपने पहले? बहुत बार सर। ठीक है तो आप तो फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल आपकी जो शख्सियत से पर झलक रहा है पूरा। थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच। तो मैं सवाल पूछूंगा आपके, ठीक है? आप नंबर बताइए। 1 से 50 के बीच में 31 जो नंबर है विशाल जी ने बोला है। विशाल जी सवाल पूछूं? बिल्कुल सर पूरा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं बजरंगी विशाल जी ना? सर विशाल सर के शख्सियत के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते आप। चलिए चलिए आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी मेक्स आईफोन? आईफोन कौन सी कंपनी बनाती है सर? आईफोन एप्पल। एप्पल मैंने आपको पहले कहा था सर कि सर के आगे कोई भी सवाल इनको कंफ्यूज नहीं कर सकता। देखिए इनका ध्यान एप्पल पे है और ये आपका कैश प्राइस है। एप्पल खरीदिए एप्पल खरीदिए आप अपने कैश प्राइस से आज 1 किलो एप्पल बढ़िया क्वालिटी के खरीद सकते हैं। ठीक है जी ओके मैम चलिए चलते हैं आगे। क्या नाम है आपका? सर गौरव। गौरव आप कौन सी क्लास में हो? सर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। और आप? बीकॉम थर्ड। बीकॉम थर्ड। आप? बीकॉम थर्ड। आप तीनों अभी यहाँ बैठे हैं क्यों? कारण क्या है बैठने का? स्टैट दे सामने काट के होनी फ्री हुई। अच्छा ठीक है सर। ए बच्चे स्टैट कौन पढ़ाते हैं आपको जो ग्राउंड में भी बैठ के? सपना मैडम। वाह वाह ठीक है ठीक है ठीक है। ग्राउंड में भी इतना उनका डर है? हाँ, ग्राउंड में बैठ बैठे पढ़ रहे हैं। ये दो बच्चे रह रहे हैं इनका भी परिचय जरा करवा दिया जाए दर्शकों के साथ। चलो 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 नाम बताएं। अनुपमा। क्लास? बीकॉम थर्ड सेम। थर्ड सेम। मेरा भी थर्ड सेमेस्टर ही है बीकॉम। हाँ जी। सो बीकॉम के विद्यार्थी हमारे साथ है। चलिए चलिए कुछ कैंटीन के पास ही बैठे हैं ना? कैंटीन ही ना ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर कैंटीन। इनका ये सीधा मोटिव है कि जैसे कैश प्राइज जितना इन्होंने दौड़ के कैंटीन जाना है। अरे वाह जी वाह वाह बजरंगी जी। चलिए चलिए तो ओपन जिम का तो ये आनंद ले ही रहे हैं। साथ के साथ इन्होंने मतलब जिस कैंटीन में जो कुछ खाया उसे डाइजेस्ट करने के लिए भी ये सारा ले रहे हो आप लोग। कोल्ड ड्रिंक पे कितना विश्वास रखते हैं आप? सर 30%। चलिए सर सीधे क्वेश्चनों पे आए हम। चलिए 1 से 50 तक के नंबर में से कोई भी एक नंबर बोलिए। 45 हो चुका है सर? नहीं 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 पेंडिंग है। 45
होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है? जी, होशियारपुर जिले में कितने विधानसभा हैं? 13 गलत जवाब। पंजाब में लोकसभा है वो 7 कौन कौन से? आप किसी 3 विधानसभा के भी नाम बता सकते? 3 बस, 3 बताइए। शेरपुर, हाँ, चब्बेवार, ओके ठीक है, शाम चौरासी। एमएलए साहब का नाम दसो। एमएलए साहब दसो। संतोष शाम अरोड़ा। नहीं, साहब ने रवि चौधरी। सवाल कटांदे रह गए, पार्टी इकल्ली करनी है। नंबर कोई गल नहीं सर, चलो नंबर बोलो। सामने समझने जरूरी सी सर, नंबर बताइए। 21 हो चुका है ना, और बताइए। 21 चलो 21 हाँ 21 इनसे कर लेते कर ले। कोई मिमिक्री कीजिए और 100 रुपया जीतिए। मिमिक्री कोई सर... मिमिक्री करिए, सांग लानी किसे दी। डर लगता है, कुछ नहीं होता। मिमिक्री करने च है, मिमिक्री करने डर क्यों लगता है आपको? टीचर करती सी। नहीं सर, गलत होगा ज्यादा। मिमिक्री की नहीं ना, कोई नहीं कर दो, पहली बार मौका मिल रहा। कैमरा रख सामने है, प्रिंसिपल दिला दे। नहीं, प्रिंसिपल नहीं ना। चलो प्रेम चोपड़ा दी कर दने। हां प्रेम चोपड़ा दी करो। चलो प्रेम मेरा नाम है, मैं जो भी करता हूँ वो भी प्रेम से करता हूँ। बजरंगी जी, ये कैश प्राइज इनके नाम, जोरदार तालियां इनके लिए। और बहुत जबरदस्त मिमिक्री, बहुत अच्छी। वाह जी वाह, बड़े वधिया हैं, तैयार तुर होके सारे आए हैं, हेयर स्टाइल बड़े वधिया। तो सो केड़ी क्लास है तुसी मेन? सारे बीए वाले ही है। सारे बीए वाले हो? केड़ी क्लास? मतलब केड़ा ईयर? फर्स्ट सेम तक है, प्लस वन है। तो जिहड़ा कॉलेज तो स्कूल तो कॉलेज दे विच आके किद्दा लग रहा? बहुत वधिया लगता जी, वधिया माहौल है, एक नंबर आ। एक नंबर हैगा ए कॉलेज तो? वधिया कॉलेज तो नहीं मैं ख्याल मिलना सी किते ना? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲੁਕਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ? ਲੈਕਚਰ ਔਖਾ ਹੀ ਆ, ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਂਗਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਦੇ ਤਾ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਊਂਗੇ। ਬਜਰੰਗੀ ਜੀ ਜੇਬ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗੇ, 5-6 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲੈਣਗੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ? ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਵੀ। 3 ਚਲੀਏ 3। ਚਲੋ 3 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਪੁੱਛੋ। ਡੀ ਏ ਵੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ये कैश प्राइज आपका। ओके बजरंगी जी, एक और पूछते हैं। चलो तुसी दसो नंबर। 7 हो चुके हैं। 16 भी हो चुके हैं। 8 गौरा गेट के लागे ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਹੈ ਗੌਰਾ ਗੇਟ ਲਾਗੇ। ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਸਰ,
लड़के के मन में पहले ये सवाल था कि 100 रुपए में पार्टी कैसे होगी। इन्हें कहा गया आप जितना जीत सकते हो जीत सकते हो, मगर ये 200 जीत गए हैं। फिर और मौका देने हैं, एक और मौका, चलो एक और मौका देने हैं। तो तुझे दसो नंबर 5555 ए हो चुके हैं, 10 10 10 10 ए भी हो चुके हैं, 49 हो चुके हैं। गृह मंत्री कौन ने बताओ जी? रोज फोटो आंदी खार अमित शाह। चलो मजरंगी जी, हूँ पार्टी हो जाऊंगे होर होर ये इंटेलिजेंट ग्रुप है, एक मौका और दीजिए। चलो एक मिनट होर, एक हो रहा लास्ट है बार। चलो बोलो हूँ, तुम आ जाओ, तुम एक पिछे शर्मांदे खड़े हो हैं। बोलो नंबर 11 11 11 11 हो चुके हैं, 15 15 15। चलो 15 नहीं होया। आईएएस की फुल फॉर्म दस दो। आईएएस की फुल फॉर्म, आपका ग्रुप है, इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे? नहीं, पास कर देंगे क्वेश्चन सर, अगर नहीं जवाब देंगे। आईएएस की फुल फॉर्म, आईएएस अफसर होंगे ना वो फुल फॉर्म? यस यस यस। एनीबॉडी? असिस्टेंट? नहीं नहीं, असिस्टेंट नहीं। इंस्पेक्टर? नहीं नहीं, इंस्पेक्टर भी नहीं। पास सर, पास पास। चलो हूँ अन्ने नाल ही संतुष्टि करनी पड़ी इतनी जल्दी, ठीक है ये यूपीएससी के एग्जाम होते हैं। ओके ओके ओके, सो देखिए इनाम जीता और इन्होंने पार्टी स्टार्ट भी कर दी। चलिए अब हम चलते हैं आगे, करना बस। बजरंगी जी बहुत जो रौनक देखने को मिल रही है हमें यहाँ पर ना, तो सर रौनक से बात याद है कि रौनक जो कॉलेज लाइफ का है वो कैंटीन ही है। कैंटीन ही है, सही बात है। चाय, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, समोसे और कैंटीन वाले के साथ जो विद्यार्थियों का एक जुड़ाव जुड़ता है। अब बच्चे यहाँ कॉलेज से निकल करके जब अपने अलग अलग प्रोफाइल में जाते हैं अपने लाइफ में, फिर एक मोमेंट ऐसा आता है कि स्टेज ऐसा आता है, वो कहती है यार मैं अपने कॉलेज के कैंटीन जाऊँ, वो कैंटीन वाला लड़का, वो कैंटीन वाले अंकल, वो मिले। अच्छा बच्चे देखिए यूपीएससी के एग्ज़ाम भी क्रैक करते हैं, कोई आईआरएस अधिकारी बनते हैं, कोई देश का भले प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, उसके मन में एक ललक रहता है जो कैंटीन वाला वो लड़का जो चाय लेकर आता था, जो कैंटीन वाला वो अंकल जिससे हम उधार करते थे, अगर वो मिल जाए तो क्या बात है। तो ये लाइफ बच्चे मतलब फॉरएवर याद रखेंगे, ये इनका फॉरएवर गोल्डन मोमेंट होगा सर, आज की जो मेमोरी होगी ये इनके ज़िंदगी का ना मतलब ना भूलने वाला पल है। बजरंगी जी मैंने खुद यहाँ पर बहुत समोसे खाए हैं जी तो देखिए ना ये बात भी आपके मन में निकल करके आ गई। बिल्कुल 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 जी। तो अच्छा एक गल सही सही दस्यो सच्ची, इतने कितना टाइम गुजार दे दिन से? सारा टाइम इतने रही जी चलो कंटीन दे विच होर चाह पीण दा इंजॉयमेंट करन दा मौका तुहानू मिलूंगा हुण, ठीक है? तुहानू सवाल पुछूंगा, अगर सही जवाब दोगे तो 100 रुपया इनाम, ठीक है? तो पुछा नंबर बोलो, कोई भी उसी नंबर का क्वेश्चन पूछा जाऊंगा, एक तो पिया दे विच विच। हाँ जी दसो, तुम दसो पहले। चार नंबर। चलिए अपने डीएवी कॉलेज हुशियारपुर दे प्रिंसिपल साहब का नाम दसो। नहीं कपिल सर नहीं। यस इधर 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 प्रिंसिपल साहब का नाम डॉक्टर विनय शर्मा इज राइट आंसर। डॉक्टर विनय शर्मा, डॉक्टर विनय शर्मा जी इज द राइट आंसर। तालियां सर, तालियां। यस ये 100 रुपीज इनको करेक्ट कर दें, प्रोफेसर डॉक्टर विनय शर्मा जी। तो 100 हूँ ना, वो देख लो क्या, देख लो कट लो। बजरंगी जी होर पूछिए। हाँ जी सर, चलो सारे होर पूछते हैं, नंबर बोलो कोई भी इधर सारे अच्छे तक।
29 हो गया। हाँ कितना? 6 हो चुके हैं। हाँ जी 26 34 नहीं होया। अच्छा नेटफ्लिक्स ते ना रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है खुफिया मूवी रिलीज हुई नेटफ्लिक्स ते, और ते लीड फीमेल एक्टर कौन है? फीमेल एक्टर जी मेन है और वो कौन ने किने रोल प्ले किया वाला? हाँ जी खुफिया देखी नहीं। चेंज कर सकते इधर पूछ दे, खुफिया मूवी देखी है जी? नहीं। हाँ जी सर देखी तुसी? चेंज कर दे। चेंज चलो दसो हो। पास 11 पास 11 नहीं होर 32। अच्छा जो कल इंडिया ने मैच खेलिया परसों जो इंडिया ने मैच खेलिया किसी टीम के खिलाफ खेलिया? श्रीलंका इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर पूरा नहीं हुआ अभी। श्रीलंका के साथ मैच हुआ तो फिर कितने स्कोर का मार्जिन रहा इंडिया के जीतने का? विनिंग मार्जिन क्या था? 302। हाँ 302। ये क्वेश्चन पूरा हुआ आप और आपका जवाब था ग्रुप का, ठीक है? तो दोनों तो कैश प्राइज दोनों को जाए, दोनों को दे दो, दोनों ग्रुप है। लो चलो आओ 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 आओ, आओ बेटा आओ, आओ बहुत ही बढ़िया। चलिए बजरंगी जी आगे चलते हैं। हाँ आगे आगे चलते हैं। चलो बहुत बढ़िया लग गया सारे मिल के, गुड लक। आपने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पर रखी लगती है, तो क्या क्या अवेलेबल है? स्मेल खुशबू जो है बहुत अच्छी आ रही है सर। सारे को सारा चीज़ पासपोर्ट के अवेलेबल ही होता है। अच्छा जी जैसे बर्गर मंचूरियन नूडल्स होया इधर की चीज़ा सारे को सर अवेलेबल ही ठीक है। खाने वास्ते लंच भी होता सर। तो स्टूडेंट्स जेडे इत्थे आंदे रहंदे हैगे भरिया रहंदे कंटीन? यही रहंदे, शनिवार नूं थोड़ा कम होता है बाकी दिन पूरे ही रहंदे। ठीक है। चलो तुहाडे तों सवाल पुछिए, तुहानूं इनाम जित्तण दा मौका दिंदे आपां। तो कोई नंबर बोलो 1 to 50 तक। 28 नंबर। हाँ जी बचदा जी। तो अरे हो चुके आ होर नंबर हो चुके आ 1 to 50 तक। 35 बजरंगी जी हो गया 35। नहीं हुआ। अच्छा जी फेमस बॉलीवुड के एक्टर हैगे है बॉबी देओल जी, उन्होंने फादर साहब का नाम दस दो। बॉबी देओल के फादर साहब का नाम धर्मेंद्र। और ये कैश प्राइज कैंटीन वाले भैया का। चलो बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। चल थैंक यू। यस बजरंगी जी। यस सर। अब हम आ गए हैं DAV कॉलेज हुशियारपुर की हेरिटेज बिल्डिंग। सर हेरिटेज बिल्डिंग दे विच तो आप पहुंच चुके हैं पर हेरिटेज बिल्डिंग दी कंधा बोल रही हैं। बिल्कुल तुसी देखो लोक नाच लोक साज अस्थान दा देखो चुल्ला चौंका देखो रस्सा पखियां परांदे। बिल्कुल आरती मैम भी इत्थे बैठे ने। सो आरती मैम किन्ना क स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेंदे अजकल दे जमाने विच हेरिटेज आइटम्स दे विच? हैरीटेज आइटम्स विच स्टूडेंट्स तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंदे पर टीचर्स नू ही जड़ा हैगा इनवॉल्व करना पैंदा। बहुत ही मैम वधिया वधिया सानू इत्थे चीज़ां देखण नू मिली और खुशी हुई कि तुसी बहुत कोशिश कर रहे हो तुहाडी और तुहाडी तुसी और तुहाडी टीम जिहड़ी हैगी है अपने हैरीटेज नू विरासत नू बचाउण दे लई अन्ने एफर्ट्स कर रही है। क्यों बजरंगी जी? यस सर बिल्कुल। और मैं आपको बताते चलूँ कि मैम भी अद्भुत प्रतिभा के धनी है। मैं अद्भुत कहूँ मैं कहूँ बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। मैंने पीछे यूथ फेस्टिवल में जब मैंने दौरा किया था तो मैंने देखा कि इन्होंने इनके मार्गदर्शन में बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे मतलब इंस्टॉलेशंस की हुई थी और कई चीज़ें जो विरासत से जुड़ी हुई पंजाब की हैं वो बच्चों ने तैयार किए थे। मिट्टी की मूर्तियाँ तैयार की हुई थी, ये सब इनके ही प्रतिभा है जो ये आगे बच्चों में बांट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अगर हम लोग इनको क्विज कम्पिटिशन का हिस्सा बनाते हैं तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा गौरव का पल GVC अपडेट के लिए कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और बजरंगी जी मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी इनका कलीग रहा हूँ, तो
इनकी जो आइटम्स है वो इंटर जोनल लेवल पर भी फर्स्ट सेकंड आती बहुत आती हैं। अरे क्या, कॉलेज के लिए बहुत सम्मान और प्राइजेज जीत के लाती हैं। और ये हम सब पूरे होशियारपुर वासियों के लिए भी प्राउड वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए फिर पूछते हैं विद्यार्थियों से, क्यों और आते हैं। जी हाँ जी हाँ विद्यार्थियों, पार्टी बूटी करनी है, आप बैठे अगर बैठना चाहते हैं तो बैठ जाइए। हैं स्टूडेंट्स, करनी है पार्टी तो एक तो लेके प्या तक कोई नंबर बोलो, वो नंबर दे कोरस्पोंडिंग जो क्वेश्चन होगा ना मैं तुम्हें पूछूंगा, ठीक है, क्लियर है? कोई भी नंबर नंबर बोलिए। ये आ चलो बेटी को पूछ दे। यस नंबर 15 तो हो चुके हैं आगे और बजरंगी जी देखते हैं हमें ना। अच्छा एक वर्ड बोलूंगा, ओदा मॉडर्न नेम दसना, ठीक है, लो पथगामिनी, इहदा मॉडर्न नेम दसो, लो पथगामिनी हिंदी का वर्ड है, वो चीज़ ना हिंदी विच लो पथगामिनी कहिंदे पर असी कॉमन लैंग्वेज दे विच या इंग्लिश उहनू की कहिंदे आ, बहुत ही कॉमन है ना, कोई आइडिया नहीं। आगे बढ़ा सकते हैं सर क्वेश्चन, लड़कों को मौका देंगे। लो पथगामिनी, यस नो मैम, चलो मैम से पूछते हैं। हेलो, हाँ जी सर, इसका मतलब है रेलगाड़ी। इज द करेक्ट आंसर। सो बजरंगी जी बिल्कुल बिल्कुल नाम निकाली और नाम आपने मुट्ठी ऐसे रखी है सर, नहीं ये लिए मुट्ठी खोल दी और कैश प्राइज मैम आपका। सो बच्चों को बताएं लो पथगामिनी रेलगाड़ी, ट्रेन को बोलते हैं, ठीक है, आप इनको सर आप सभी ना ये चैनल, यस राइट, चलो फिर और मौका देते हैं, एक मौका, ओ लो एक और मैम, शाखा मैम भी आ गए, मैम आइए प्लीज प्लीज आइए प्लीज आइए और सवाल पूछेंगे हमारे साथ फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के होम साइंस डिपार्टमेंट के हेड शाखा मैम भी जुड़ गए हैं। तो हेलो एवरीवन, तो मैम कैसा लग रहा है आपको, मतलब आप स्टूडेंट्स जो इंटरेस्ट लेते हैं होम साइंस में? या विद टाइम इसका जो है एक डिक्लाइन तो आया है, बट जैसे कि अब फर्दर सब्जेक्ट्स हैं मतलब इसका एक्सप्लोरेशन बढ़ गया है, जैसे डायट्रिक्स जो है अब जगह जगह, पहले ये स्पेशल कोर्सेज इस तरह के जो कोर्सेज थे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड ऑल, ये बड़े शहरों में ही मिलते थे, अब जैसे ये जलंधर लुधियाना वगैरह में इसके कोर्सेज जो है ईजिली अवेलेबल है, तो अब जो है स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट कर रहे हैं, और यहीं के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, एक दो जो मैं जानती हूँ वो जैसे निन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद से भी वो अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। सो आई बिलीव कि ये इट इज़ राइजिंग, नटशेल इट इज़ राइजिंग। तो बजरंगी जी एज जाते वक्त ना हम भी मैडम से न्यूट्रिशन और अपनी डाइट का जो है सलाह लेकर जाएंगे, ठीक है, याद रखना। बिल्कुल 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 सर, दूसरी चीज ये कि देखिए ना ऑर्गेनिक का दौर चल पड़ा दोबारा, जो पहले ऑर्गेनिक था, पहले भारत पुरातन भारत की अगर बात करें तो हर एक चीज़ ऑर्गेनिक थी, फिर बीच में यूरिया का इतना ट्रेंड आया, हर एक किसान मतलब यूरिया की ओर आकर्षित हुआ, और फिर से भारत उसी ओर बढ़ रहा है जहाँ से शुरुआत हुई थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अधीन। बिल्कुल बिल्कुल, उनके मार्गदर्शन, उनका विजन या जी वहाँ पर लेकर लेकर ले जा रही है, और वी मस्ट अप्रिशिएट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो अच्छा मैम भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बच्चों एक और चांस देता हूँ आपको, आप और कोई नंबर बोलिए, कोई नंबर भी, नंबर बोलिए कितना, 42 बजरंगी जी 42 नहीं हुआ पूछा जा सकता। अच्छा कॉलेज में बर्सर का क्या रोल होता है, एक पोजीशन है बर्सर की, तो वो बर्सर का क्या रोल होता है कॉलेज में, क्या करना होता है बर्सर सर? बजरंगी जी एक हेरिटेज बिल्डिंग चे बैठे हैं जी, ना? जी। जो जेडी की साड़ी विरासत बारे विरासत दे नाल सानू जोड़ रही है, बिल्कुल ओदे नाल दा ही क्वेश्चन आ गया देख। अरे वाह क्या बात है, की सिंक्रोनाइजेशन हुई ना सर, मैनू लगदा मुंडा अज कैश प्राइज जीत के जाएगा। अच्छा पंजाब वर्ड दा मतलब दसो
ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜ ਪਲੱਸ ਆਬ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਪੰਜ ਪਲੱਸ ਆਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਆਬ ਮਹੀਨੇ ਨਦੀਆਂ ਕੌਣ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਦਰਿਆ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸੀਗੇ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਜਨਾਬ ਜੇਹਲਮ अरे वाह रंगोली रंगोली होगी फ्रेगनेंस चले चलो अब हम आ गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में तो जिनके इंचार्ज जिसके इंचार्ज है शाखा मैम सो यहाँ पर हम देख रहे हैं बजरंगी जी की यूथ इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल की तैयारियाँ चल रही है और कितनी सुंदर रंगोली बनाई है इधर देखिए आपको देखने को मिल रही होगी इतनी सुंदर रंगोली में क्यों बजरंगी जी क्या विचार है आपके बिल्कुल सर रंगोली और मैं आपको बताते चलूं कि जो इस उम्र में विद्यार्थियों के अंदर प्रतिभा होती है ना सच में ये जैसे इंटर जोनल फेस्टिवल है या फिर जोनल फेस्टिवल जितनी भी होती है वो विद्यार्थियों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा होती है उनको लेकर बाहर आती है निखार कर और ये रंगोली अगर जो बच्ची बना रही है उस बच्ची के अंदर ना बचपन से ये प्रतिभा रही थी वो अपने घर में पहले छोटी छोटी ऐसी रंगोली बनाती होगी फिर बाद में जब वो कॉलेज लाइफ में स्कूल लाइफ से निकल कर आई वो कॉलेज लाइफ में उसे एक बड़ा मंच मिला वो कहते हैं ना जब वो चिड़िया अंडे में होती तो वो कहती बस इतना सा ही है संसार अंडे से निकल घोंसले में आती है बस इतना सा ही है संसार फिर वो डाल डाल घूमती कहती बस इतना सा ही है संसार एक दिन वो जंगल में घूमती कहती बस इतना सा ही है संसार जब वो पंख पसार खुले आसमान में उड़ती है फिर वो कहती है कि बहुत बड़ा है ये संसार तो ये बच्चे कॉलेज लाइफ में ये पता करते हैं कि ये संसार सच में बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ जितनी प्रतिभाएं हैं वो एक मंच पर एकत्रित होती हैं और इनको इनकी प्रतिभा को जानने का भी मौका मिलता है जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्काई इज द लिमिट यस बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही जोर शोर से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है बच्चों कुछ भूख वगैरह लगी है क्योंकि हम आपको कुछ ना कुछ जीतने का मौका देंगे अभी टाइम हो गया है लंच टाइम हो गया है सही उत्तर दीजिए और कैंटीन सीधा जाइए ब्रेक लीजिए कैंटीन सीधा जाइए ठीक है पूछो कोई नंबर बोलो उस नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन पूछूंगा मैं कोई नंबर बोलो वन टू फिफ्टी तक यस 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 टेन टेन नंबर बोला टेन हो चुका है फाइव भी हो चुका है टू यस होशियारपुर से लोकसभा के एमपी कौन है आई हैव नो आइडिया सर आप कहाँ से हो कौन से डिस्ट्रिक्ट से होशियारपुर यहीं से तो आपके एमपी कौन है नहीं पता चलिए आगे सर पास कर देते हैं हाँ जी एमपी होशियारपुर के लोकसभा के हाँ जी चलिए बजरंगी जी आप ही बता दीजिए फिर हमारे दर्शकों को हाँ मैं तो अपने दर्शकों को बता दूं सर होशियारपुर लोकसभा से जो एमपी हैं जो सांसद चुनकर गए हैं उनका नाम है सोम प्रकाश माननीय सोम प्रकाश जी हैं जो कि हमारे अभी बीजेपी की टिकट से वो उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जीत करके होशियारपुर को प्रतिनिधित्व करते हैं देश के संसद में चलिए एक मौका और देते हैं बिल्कुल देना चाहिए सर क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थी ठीक है तो एक मौका और चलिए आप बताइए कोई नंबर ये भी हो चुका है 47 होशियारपुर का नाम होशियारपुर कैसे पड़ा जी किसके नाम के कारण होशियारपुर का नाम होशियारपुर बिल्कुल 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 आप मैम ट्राई करिए प्लीज Someone very clever and hushyar kind of. Yes, anybody. No idea. पास करेंगे. चलो कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम सर इनके ना होम साइंस से रिलेटेड कोई बताऊं अच्छा ये डिपार्टमेंट है ना उधर नहीं आपने देखना इधर 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 सभी मेरी तरफ देखो सॉरी ये डिपार्टमेंट के सामने जो दूसरी बिल्डिंग है कौन सी है वो
कॉलेजिएट सेक्शन बजरंगी जी। ये नाम बताइए उनका, बिल्डिंग का नाम। बिल्डिंग का नाम, आप जब बिल्डिंग में एंटर करते हैं बहुत सारा गोल्डन फ्रेम में लिखा गया है नाम बिल्डिंग का, सिल्वर फ्रेम में। यस यस, सिल्वर फ्रेम पे। या प्रिंसिपल, नहीं नहीं, प्रिंसिपल साहब का नाम पूरा। चलो बजरंगी जी, चलो। हाँ जी, कॉलेजिएट सेक्शन ने बताया, आप दीजिए। दे दीजिए बोलिए थोड़ी सी। ये लो इनका कैश प्राइज। प्रिंसिपल मेजर राजकुमार मोलियल जी, बिल्डिंग है वो, ठीक है, कॉलेजिएट सेक्शन। चलो कंग्रेचुलेशन एंड गुड लक, ठीक है, विश यू गुड लक। ओ पी क्लास शो, बी कॉम फर्स्ट ईयर, शायद फर्स्ट ईयर थोड़ा कॉलेज है, पहला स्कूल से सीखे, स्कूल तो कॉलेज ही आए, कि स्कूल वधिया सीखे कॉलेज, स्कूल वधिया सीखा। चलो क्यों उत्थे ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं लग रही? हाँ जी सर। चलो हूँ थोड़ा ना मैं क्वेश्चन पूछूंगा, 1 to 50 नंबर बोलना उसी कोई, ठीक है, वो नाल का कोई क्वेश्चन होगा वो पूछूंगा, अगर सही आंसर दोगे बस फिर इकट्ठे होकर सारे चल जाओ उधर कंटीन से, ठीक है। बजरंगी जी पूछिए, फिर पूछिए सर, नंबर पूछ लेंगे। 30 दी लाइन च बोलो कोई नंबर, 30 लाइन च। हाँ 35 हो चुका है, 31 हो गया, 35 हो गया, 33 चलो पूछ लेंगे। 33 ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੈਚਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਪ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੌਟਸਟਾਰ ਹੌਟਸਟਾਰ ਬਜਰੰਗੀ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸਰ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਚਾਰੋ ਜਾਣੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਣਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਵਾਹ ਉੱਡ ਗਏ। चलो आप सभी ना जुड़े हैं डीएवी कॉलेज होशियारपुर के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मंजील जी, और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। तो सर कैसा, आपको कितना टाइम हो गया इस कॉलेज में? 21 ईयर हो गए यहाँ पर। 21, ही हैज बीन टीचिंग हियर फॉर 21 लॉन्ग ईयर्स, दैट्स ग्रेट सर। तो आप बेसिकली कहाँ से हो? बेसिकली मैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट जगराओं से हूँ। ओके, तो होशियारपुर शहर सर आपको पसंद आया? बिल्कुल, बहुत अच्छा शहर है। ठीक है, ठीक, अब तो पूरा दिल यहीं पे लग गया, यहीं के हो गए। ठीक है सर, डेट्स ग्रेट, डेट्स ग्रेट। तो सर आप एक कोई नंबर बोलिए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको हम क्वेश्चन पूछेंगे 1 to 50 तक, और आपको बजरंगी जी आपके लिए कुछ कैश प्राइज भी लेकर आए हैं। माय हाउस नंबर इज 47, तो आई विल प्रेफर 47। 47, ओके ओके। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर होम होशियारपुर इज नेम्ड? होशियार खान, आई थिंक। होशियार खान, मंजील सर आपका उत्तर बजरंगी जी। मंजील मिलेगी जरूर, जारी जंग रखे हो। सही है, सही है, बिल्कुल सही। आप होशियारपुर के बारे में बता रहे थे, क्वेश्चन भी आपका होशियारपुर के ही आ गया। सर ये 100 रुपीज नहीं है, ये आपका प्राइज है सर, ये जो हर उम्र तक आप आपको एक मौका और देंगे, ये आप प्राइज पकड़िए। आप यहाँ हम बच्चों को आप क्वेश्चन कोई भी पूछ कर ये प्राइज आप पास कर सकते हैं। आ जाइए, चलिए आ जाइए सर। आपका प्राइज, आपका क्वेश्चन कुछ भी, यहाँ से चलिए, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका प्राइज आगे पास कर देंगे। चलो सब्जेक्ट बता दो आपके, सब्जेक्ट को आर्ट्स दे हो, आपको माइक हाँ जी, हाँ क्वेश्चन आप इसमें जवाब देंगे, ठीक है। यस सर, तो आप बताइए हमारा कॉलेज किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ है? ये कौन सर ने क्वेश्चन पूछा है, कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ है डीएवी कॉलेज होशियारपुर? लिखा होता है बाहर गेट के, 1986। यस यस, 1986। बहुत आगे बढ़ गए, 1982। बहुत सर्कल ही बहुत आगे चले गए, 1926 is the correct answer. तो सर हैंड ओवर करेंगे कैश पर। We are moving towards the 100 years. Yeah, सेंचुरी होने वाली कॉलेज की। वेरी वेल डन, थैंक यू सर। आ जाओ,
41 नंबर क्वेश्चन है, परफॉर्म करोगे जो बोलूंगा मैं? परफॉर्म सम कॉमेडी एंड विन रुपीज 100। लो बीपी लो रहंदा, बीपी लो रहंदा, दिल दा की करिए, दिल विच ओ रहंदा ते बीपी लो रहंदा। गला दो माया, गला दो माया, या कर यस कर, या कर नो माया, गला दो माया, ए बी सी माया, ए बी सी माया, मैनू जो भी है तेनू की माया, ए बी सी माया, You can go Maya, you can go Maya, आवन वाला है मेरा प्यो Maya, you can go Maya. Very good, very good. बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के ऊपर रंगी और ये दो बनते हैं, दो दो दोनों को, दोनों को दो दो बनते हैं, ये लीजिए कैश प्राइज। चलो बहुत बढ़िया, कोई नंबर बोलिए अपना, लकी नंबर बोल दीजिए पहले, नाम और क्लास तो बताइए। कोमलप्रीत कौर, आप गीत सुना सकते हैं? कॉमर्स सुनाइए कोई। भोली सी सूरत, आंखों में नरमी, दूर खड़ी चिल्लाए, चाय चाय चाय। ये कैश प्राइज, ये आपका। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी, आई थिंक बेस्ट परफॉर्मेंस। यस सर, आज जीबीसी अपडेट चैनल वालों डीएवी कॉलेज हुशियारपुर विच आके बच्चों का ब्रेन टेस्ट किया गया, जिदे विच उन्हां कोलों हुशियारपुर इहदे आले दुआले संबंधित कई तरह के बड़े अच्छे प्रश्न पूछे गए, तो बच्चे बहुत खुश से कि प्रश्न का सही जवाब देन ते उन्हां नूं इनाम भी मिलिया। ये बहुत अच्छी कोशिश है जीबीसी अपडेट वालों, जिदे नाल स्टूडेंट्स की मैमरी भी सडन मैमरी चैक होंगी कि किस तरह अचानक ही बच्चे जे कोई ग्राउंड दे विच बैठा है, कोई कैंटीन है, कोई बाहर कोरीडोर दे विच चल रहा है, उन्हां कोलों सवाल पूछे। तो मैनू टीचर्स ने भी इनपुट दी, बच्चों को पता चला, टीचर बच्चे बहुत खुश से, तो मैं वधाई देना जीबीसी अपडेट चैनल नू कि बहुत वधिया उपराला इन्हां वालों, तो उम्मीद करांगा फ्यूचर दे विच भी इस तरह दीआं कुछ ईवेंट्स कॉलेज दे नाल आके करदे रहणगे, तो विद्यार्थी इस तों प्रोत्साहित होणगे, तो निश्चित रूप च साडे विद्यार्थी इहदे तों काफ़ी कुछ सीख सकणगे। धन्यवाद। सो अज का ये प्रोग्राम काफ़ी सफल रहा, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ जहां हमने जनरल नॉलेज के सवाल पूछे, वहीं उनको उनके ज़िले के इतिहास से और कुछ राजनीतिक और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के भी नाम पूछे गए, जिन्हें बच्चों ने खूब इंजॉय किया। हम इस प्रोग्राम के लिए स्पेशल धन्यवाद करते हैं जीबीसी अपडेट के डायरेक्टर डॉक्टर अनूप कुमार जी और साथ ही प्रोफेसर मनोज कपूर जी, जिनके योग्य मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चला। इस कार्यक्रम में हमारे साथ कैमरे में सहयोगी थे जितेंद्र प्रिंस जी और सरदार नवनीत सिंह चीमा जी, और वहीं मुख्य होस्ट का रोल प्ले कर रहे थे प्रोफेसर परमवीर जी और सभी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ डीएवी कॉलेज के मैनेजमेंट का और डीएवी कॉलेज के जितने प्रोफेसर जिन्होंने हमारा साथ दिया, मुख्य तौर पर प्रिंसिपल साहब का, उन सब का धन्यवाद। परमवीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो डीएवी कॉलेज का स्टाफ है और ख़ास करके प्रिंसिपल साहब, सबसे बड़ा थैंक यू तो उनका, जिन्होंने हमारी एक रिक्वेस्ट पर पूरा सहयोग अपना, पूरी जितने जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते थे हमें सहयोग दिया। थैंक यू डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, प्रिंसिपल साहब एंड आवर स्टाफ ऑफ डीएवी कॉलेज। और मैं अपने दर्शकों को बताते चलूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम ये पहला सीरीज है, पर ये लगातार आपको अलग अलग सीरीज इसके देखने को मिलेगी। अगर आपके पास इस सीरीज को लेकर के कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएँ, ताकि हम अपनी गलतियों में सुधार कर सकें और आपके सुझाव पर अमल कर सकें। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जी सर, द बैटल ऑफ ब्रेन्स की टीम जो आज डीएवी कॉलेज आई थी, इसके बाद अलग अलग कॉलेजेस में भी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती। अगर आप भी हमें अपना कॉलेज में बुलाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर जो बताइए, हम पक्का आएंगे। जय हिंद, जय माँ भारती।